हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बताएंगे कि स्टैंड वाला फ़ैन की स्विच की कनेक्शन कैसे करें और कैसे लगें। और ये चार पॉइंट होते हैं स्विच के, और एक पॉइंट पर 1 2 3 लिखा होता है और एक पर एन या पी लिखा होता है। आपने ध्यान में रखना है। और ये स्पीड वाला है, चार वायर होती हैं इसमें अलग अलग रंग की, और ये मेन वायर है। और हम इस प्लेट में स्विच को फिट करेंगे और कैसे कनेक्शन करने हैं। और ये वीडियो ध्यान से देखना, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपका कनेक्शन अच्छी तरह हो जाए। और सबसे पहले ये मेन वायर है, और हम सबसे पहले मेन वायर को लगाएंगे स्विच की एक साइड। और जो एक वायर होती है, जो नीली वायर होती है जो फैन की, वो कॉमन होती है, उसको करंट डायरेक्ट करंट देना है। मेन वायर से नीली वायर को ज्वाइंट कर देना है, और मेन वायर से एक वायर बच जाएगी और दूसरी साइड तीन वायर बच चुकी हैं, अलग अलग रंग की है। उसे हम स्विच में कनेक्शन करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे लगती है। और 1 2 और 3 हिस्सों में आप तीनों रंग लगा दें। और जो एक मेन वायर बची थी, और जो एक वायर है हमारी मेन वायर है, उसको एन और पी लिखा होता है जहाँ पर, आपने लगा देनी है। जो मेन लाइन होती है एल पी लिखा होता है। और जो तीन स्पीड है वो 1 2 और 3 पर लगा दें, और मेन वायर जो एक आपने नहीं लगाई थी वो आपने एक जो पॉइंट बच चुका है उस पर लगा देनी है, मेन लाइन पर स्विच के। और एक को आपने डायरेक्ट करंट दे दिया है, और ये कनेक्शन एकदम हमारे हो चुके हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।